आप सभी का स्वागत है पुनः आज पर्यावरण की सीरीज में, जहां पर आज हम लोग पर्यावरण के टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे फटाफट। और आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठ जाइएगा, क्योंकि सीरीज में हम लोग केवल पढ़ेंगे नहीं बल्कि ये प्रयास करेंगे जहां से महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको हम लिखते चलेंगे, उन्हें नोट डाउन करते रहेंगे, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों से अपेक्षित होता है। जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिएगा और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। सभी साथी चाहे इसे फेसबुक पर देख रहे हैं चाहे इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। देखिए, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को अपेक्षित क्या क्या होता है। कह रहा है कि अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। फिर कह रहा है विशेषता प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए। विशेषता पुस्तकों परीक्षाओं पर ध्यान देना तो एकदम गलत है। बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना और सम्मान देना चाहिए। जी हाँ, यहाँ इस प्रश्न का ए उत्तर सही होगा। देखिए, अगर आपको सरकारी शिक्षक बनना है तो ऐसे प्रश्नों को हल करना ही नहीं बल्कि इनके बारे में ये जानना होगा कि जब इस तरह के प्रश्न अगर आपके परीक्षा में पूछ दिए जाएंगे तो आपको सर्वप्रथम किन किन बातों पर फोकस करना पड़ेगा, किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा, यह आपके लिए कितना हद तक कितना ज़्यादा जरूरी है। चलिए, अब हम लोग एक और तथ्य की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। अगला है प्रश्न आपका सामने कि जो पर्यावरण है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को तीक्ष्ण करने के लिए क्या किया जाता है। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा और कमेंट करने के बाद सभी लोग फटाफट कमेंट जवाब दीजिएगा। जल्दी जल्दी बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किया जा सकता है, उच्च कक्षा में क्या किया जाता है उसका अनुरक्षण किया जाए, ये गलत है। फिर कह रहा है कि कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित किया जा सकता है, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों को आधारित विचार के आधार पर किया जा सकता है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन पर जाइए और कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हिसाब से क्या होगा। जी हाँ, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं चाहे इसे फेसबुक पर चाहे यूट्यूब पर जहाँ भी देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन कमेंट जरूर करिएगा। देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो यहाँ पर डी इसका राइट आंसर होगा। बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित जो आपके विचार हैं उनके आधार पर किया जा सकता है। मतलब इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह डी राइट आंसर होगा। डी इस प्रश्न का सही जवाब है। जिन साथी मित्रों ने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं और अगले प्रश्न की तरफ। चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर ले और वीडियो की क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिएगा। अगला सवाल है आपके सामने, संसद में आधिकारिक विपक्षी दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितने सदन होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर विपक्षी दल की बात की गई है। जी हाँ, इस बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो बात की गई है वो विपक्षी दल की बात की गई है। तो विपक्षी दल के हिसाब से कितना होना चाहिए, जल्दी से वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा ताकि ये वीडियो आपको पूरी तरह से HD में दिखाई दे। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर जहां भी देख रहे हैं ना, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और जवाब दीजिएगा। जल्दी फटाफट कमेंट करिए सभी साथी, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, चाहे से फेसबुक पे देख रहे हैं चाहे से यूट्यूब पर देख रहे हैं जहां भी देख रहे हैं, बताइए फटाफट कमेंट करके क्या होगा। देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न को ध्यान से देखना होगा। जी हाँ, 1/10 इसे कहते हैं गणपूर्ति, इसे ही कहते हैं गणपूर्ति। तो संसद में जो गणपूर्ति होता है वो कितना होता है, 1/10 होता है। अगर सदस्य संख्या पूछ दिया जाए तो क्या होगा, अगर सदस्य की संख्या पूछ दिया जाए तो कितना होगा, 55। ये दोनों बात याद रखिएगा, अगर सदस्य की संख्या पूछेगा तो 55, नहीं तो इसका 1/10 आप करेंगे। ठीक है, देखिए वीडियो साफ चल रहा है HD में कि नहीं, आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार। सभी लोग जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चलिए चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अच्छा ध्यान दीजिएगा कि अगर इस वाले प्रश्न में अगर यहाँ पे लोकसभा पूछ दिया जाए, लोकसभा में तो 55 सदस्य, ऊपर मैंने बताया लोकसभा में 55, अगर राज्यसभा पूछेगा राज्यसभा तो 25। वैसे क्या है, गणपूर्ति कितना है, गणपूर्ति
1/10, ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों लिख लीजिएगा। आप लोग जरा एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि वीडियो साफ चल रहा है कि नहीं, आवाज़ साफ आ रही या नहीं, अगर ऐसी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। जितने भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। एसके गोपाल मामले, केशवानंद भारती, एमसी मेहता, गोलकनाथ। देखिए ऐसे प्रश्न के जो उत्तर होता है वो प्रायः गलत नहीं होता। देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा केशवानंद भारती मामला। सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था। इसमें कहा गया था कि संसद संविधान के किसी भी भाग में, यहां तक कि मूल अधिकार में भी अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। जी हाँ, यह बात आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है आपके सामने, भारतीय संसद किसी भी राज्य के लिए कोई कानून बनाने में सक्षम है। जितने भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करने के बाद ध्यान देंगे। वैसे इसके बारे में मैं काफ़ी लंबा बताऊंगा ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं कई तरह से वो क्लियर हो जाए, क्योंकि जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कितना भी पढ़ लिया जाए, पढ़ा दिया जाए, आपका जो मेन सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो अधूरा सा दिखता है। देखिए यहाँ पर ऐसे प्रश्न का उत्तर जो होगा, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल लागू, जी नहीं। देश के दो या दो से अधिक राज्यों को विधानसभा इनका अनुरोध करे, जी नहीं। राष्ट्रपति, देखिए यहाँ पर भारतीय संसद किसी भी राज्य के लिए कानून बनाए जब 352 लागू, ठीक। देश के दो या दो से अधिक राज्य विधानसभा अनुरोध, जी नहीं। यहाँ पर ये राष्ट्रपति शासन होता है, ये राज्य में लगाया जाता है। यहाँ पर इसका उत्तर होगा ए और बी दोनों हो जाएगा, यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएगा। कैसे? देखिए इसके अलावा भी जान लीजिएगा, कुछ विशेष परिस्थितियाँ होती हैं जब संसद किसी राज्य के लिए राज्य सूची में कानून बना सकती है। जैसे अगर हम बात करें अनुच्छेद 249 की बात करें, इसके तहत यदि राज्यसभा एक संकल्प पारित कर यह घोषणा करती है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। अगर हम अनुच्छेद 250 की बात करें, अनुच्छेद 250 के अनुसार राष्ट्रीय आपात के दौरान राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। अनुच्छेद 252 लिख लीजिएगा, इसके तहत यदि दो या दो से अधिक राज्य केंद्र को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का आग्रह करते हैं, अर्थात इसका उत्तर बी जो है। फिर अगर हम बात करें अनुच्छेद 253, मतलब इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान बना सकती है केंद्र सरकार, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 356 जब होगा, देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर अगर देखा जाए तो एक चीज़ हम लोगों ने देखा कि इस समय भी राष्ट्रपति शासन जब लगा हो उस समय भी राज्य में राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से कानून बना सकती है, जरूरत पड़ने पर कानून बना सकती है। जहाँ पे राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश भी जारी कर सकता है, मतलब यहाँ पे देखा जाए तो अनुच्छेद 356 भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। अनुच्छेद 356 माने ये भी सही है, अर्थात यहाँ पे जो विकल्प दिया गया वह ABCD, मतलब उपरोक्त सभी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ उपरोक्त सभी नहीं है। क्या वो लाइव नहीं चल रहा है? साफ देखिए आवाज़ साफ आ रही है? जरा एक बार कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि वीडियो साफ चल रहा है नहीं, आप सभी लोग। तो यहाँ पर ये अनुच्छेद ऐसे हैं जो ये बताता है कि भारतीय संसद कानून बना सकती है, यहाँ पर ये आप लोग को ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई डाउट तो नहीं है ना? चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट रख लें, यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और मददगार हो सकता है। अगला आपके सामने, राज्यपाल द्वारा विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को सदस्य नामित किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, ये अगर संसद तब अनुच्छेद 331, और अगर विधानमंडल की बात करेगा तब यहाँ पर अनुच्छेद 333, ये विधानमंडल।
आप लिख देखो विधानसभा, ठीक है, अनुच्छेद 333। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा जल्दी से बता के आप लोग 1, 2, 12, 6 सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइएगा। देखिए अगर संसद में आएगा तो 2 और अगर विधानसभा में कहेगा तो 1, मतलब ध्यान दीजिएगा अगर अनुच्छेद 331 होता तब 2 होता है और अगर अनुच्छेद 333 है तब 1, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर जो है ए सही जवाब होगा, ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यार वीडियो को शेयर कर दीजिए, पैसे नहीं कटेंगे। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करने के बाद सबसे पहला काम इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा। अगर आप सबको सरकारी नौकरी करनी, सरकारी शिक्षक बननी है तो वीडियो काफ़ी मददगार है आप सभी के लिए और आपके पाठ्यक्रम आपके सिलेबस के आधार पर ये क्लास चल रही है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विधानसभा में 1 और लोकसभा में 2, ऐसे समझिए। देखिए संसद का मतलब क्या है, संसद में भी क्या होगा लोकसभा, संसद में भी क्या होगा लोकसभा, ठीक है, और यहाँ पर भी विधानसभा, यह बात आप लोग जानते रहिएगा, ठीक है। संसद में लोकसभा में 331 के तहत, हाँ हटा दिया गया हो, आगे हम लोग बात करेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पढ़ेंगे तब। इसमें कौन सा राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए इसमें से कौन राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता, सभापति, जल्दी से कमेंट सेक्शन पे जाइए और कमेंट करके बताइए आप सभी लोग, सभी साथी जितने भी वीडियो को देख रहे हैं। देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है, मैं चाहूंगा ऐसे प्रश्नों का आप जवाब जरूर दिया करिए। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। यह गैर संवैधानिक निकाय है, इसका कार्य जो होता है प्राथमिकताओं का निर्धारण करना, योजनाओं के लिए संसाधन का आवंटन करना, योजनाओं की प्रगति का आवधिक मूल्यांकन करना, आर्थिक विकास को बाधित करने वाले कारकों की पहचान करना होता है, अर्थात इस प्रश्न का उपयुक्त विकल्प जो होगा वह बी सही है, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, तो जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वो क्या है, सभी साथी बताएं। यार अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया सबसे पहला काम वीडियो को लाइक करते, दूसरा काम वीडियो को अपने साथी मित्रों तक जरूर पहुंचाएं, ये 2 काम आप पहला कर लिए जी हाँ। गोल्डन बियर अवार्ड, गोल्डन पांडा अवार्ड, गोल्डन ग्लोबल अवार्ड, गोल्डन पाम अवार्ड, ये फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर आप वीडियो को लाइव देख पा रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर होगा गोल्डन पांडा अवार्ड, पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार गोल्डन पांडा अवार्ड है जो वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर द्वारा दिया जाता है, WWF के द्वारा दिया जाता है, ठीक, समझ में आप लोग को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सब्जियों को छिलने में कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, सब्जियों को छिलने में कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। बताइए जल्दी से सभी साथी जितने भी वीडियो को देख रहे हैं चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर, तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह है विटामिन सी, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर बी विटामिन सी है। इसमें अगर गर्मी लग जाए, हवा, पानी, ये आसानी से नष्ट हो जाता है। एस्कार्बिक अम्ल सब्जियों को छिलने से नष्ट हो जाता है, ये याद रखिएगा, एस्कार्बिक अम्ल जो है सब्जियों को छिलने से नष्ट हो जाता है, इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह बी होगा, छिलने से नष्ट हो जाता है, छिलने से नष्ट हो जाता है, गर्मी, हवा, पानी से आसानी से ये नष्ट हो जाता है, ठीक है। अगला, ये लाइव चल रहा है चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं और इन लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर भी ये उपलब्ध है आपको। कार्बोहाइड्रेट के अलावा कौन सा अन्य स्रोत शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, किसके अलावा, कार्बोहाइड्रेट के अलावा, जल्दी से जवाब दीजिएगा जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट कमेंट करिएगा। अगर आपने इस प्रश्न का जवाब दे दिया है इसका मतलब ये है कि आप लोग ने लगातार क्लास को केवल पढ़ा ही नहीं है
बल्कि इसे और अच्छी तरीके से समझ भी लिया है। बताइए जल्दी फटाफट कमेंट करके कि आप लोग को ये समझ में आ गया। जी हाँ, फैट अर्थात वसा इस प्रश्न का सही जवाब है, बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्लियर। कार्बोहाइड्रेट के अलावा वसा हमारे शरीर में ऊर्जा शक्ति सर्वोत्तम है जो ऊतक को अंदर ही संचित रखता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य में प्राचीन सेंट थॉमस चर्च स्थित है? सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और दिए गए प्रश्न का जवाब। किस राज्य में प्राचीन सेंट थॉमस चर्च स्थित है? जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। किस राज्य में प्राचीन सेंट थॉमस चर्च स्थित है? जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करने के बाद दिए गए जवाब देंगे। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। यहाँ पर होगा आपका केरला में। केरला में सेंट थॉमस सियरो, सेंट थॉमस सियरो मालाबार कैथोलिक चर्च भारत के पश्चिमी तट पर केरल के त्रिचूर जिले में, केरल कहाँ पे, ये त्रिचूर जिला में है। ये परंपरा के अनुसार देखा जाए तो 22 ईस्वी में सेंट थॉमस द्वारा स्थापित की गई थी, जो ईसा मसीह के 12 प्रेरित ईश्वर दूत में से एक था। केबुल लामजाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, केबुल लामजाओ जो विश्व का एकमात्र अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कौन से झील में है? ये लोकटक झील में है। ये ऐसे प्रश्न है जो परीक्षा में आपके सीधे सीधे पूछे जाते हैं, और जब सीधे सीधे पूछे जाते हैं तो आपको उसकी तैयारी भी एकदम सीधे सीधे होगी। जितने भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी साथी जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे और दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। अब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पर होगा मणिपुर। अब जरा कमेंट करके बताइए कि जो मणिपुर है इसकी राजधानी क्या होगी, मणिपुर की राजधानी क्या है? कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए सभी साथी। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आप सभी के लिए। जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। चाहे इसे फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं ना, जल्दी से जाइए और कमेंट करके जवाब दीजिए। वायु में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत है लगभग? देखिए, अगर हम यहाँ पे देखिए, ये 78% ये नाइट्रोजन है, ये है आपका नाइट्रोजन और ये है आपका ऑक्सीजन। ये लगभग है 20.95%, अर्थात लगभग 21%। इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह डी का सही और राइट आंसर है। किन दो गैसों को मिलाकर पूरे वायुमंडल का 99% गैस होता है? यही दोनों अगर मिला दिया जाए तो लगभग 99% गैस पूरे वायुमंडल का होता है। क्लियर। ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बास्केटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। सभी साथी, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएंगे। सभी साथी फटाफट कमेंट करिए। देखिए, इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह है 5, अर्थात डी इस प्रश्न का सही और राइट आंसर होगा। ठीक है, बास्केटबॉल में प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। अगला, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा। देखिए, 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 9 जनवरी, 12 जनवरी क्या है बताइए? स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस पर 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? और 9 से 12 जनवरी प्रवासी दिवस,
ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर भी यहाँ पे क्या होगा, डी इसका सही और राइट आंसर होगा। यार जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, यार पैसा नहीं कटेगा, इस वीडियो को अपने साथी मित्रों को शेयर कर दीजिए, सभी साथी मित्रों को, चाहे यूट्यूब पर चाहे फेसबुक पर जहाँ भी देख रहे हैं उन सभी तक पहुँचा दीजिएगा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे जरा कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिए। देखिए, भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने पर है, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। देखिए, ज्वार नदमुख की अगर हम बात करें तो ऐसी नदी जो अरब सागर में आकर गिरती है, डेल्टा नहीं बनाती, वह ज्वार नदमुख बनाती है। तो यहाँ पर गिरने वाली नर्मदा और ताप्ती है, यहाँ पे नर्मदा ऑप्शन में, इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो सी नर्मदा, इस प्रश्न का सही और राइट आंसर है। भारत में पश्चिम में प्रवाहित होने वाली नर्मदा के मुहाने पर सबसे बड़ा ज्वार नदमुख बनता है। यह नदी खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है, यहाँ पर देखिए ये खंभात की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है, ठीक है, और विंध्यन और सतपुड़ा पर्वत के बीच भ्रंस घाटी में होकर प्रवाहित होती है। कहाँ? विंध्यन और सतपुड़ा के बीच से बहती है और भ्रंस घाटी है। अंकलेश्वर बांध, सरदार सरोवर बांध, इंदिरा सागर बांध, ये नर्मदा नदी पर है। यह बात आप लोग भली भांति और अच्छे तरीके से जान लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला है आपके सामने यूएस की TVA टेनेसी वैली अथॉरिटी जैसी जो परियोजना है वो किस नदी पर बनाई गई है? जितने भी वीडियो को देख रहे हैं वे जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाएं और जवाब जरूर देंगे, चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे उसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं जवाब जरूर देंगे, और इस वीडियो को अपने साथी मित्रों को शेयर जरूर करेंगे सभी लोग। देखिए, दामोदर घाटी परियोजना ये भारत की पहली परियोजना भी है, ये प्रथम बहुदेशी परियोजना है, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में फैली है। दामोदर घाटी जो परियोजना है ये यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर है। ये टेनेसी घाटी जो परियोजना थी ये कब थी? ये 1933 की थी और जो भारत में आई थी 1948 में, ठीक है, स्थापित की गई थी इसी के आधार पर। अगला है, ओजोन परत का अवक्षय किस कारण से होता है? बहुत ही आसान प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। देखिए, सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, दुर्गेश सर सर्च करके, ई लर्निंग विद दुर्गेश, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ई लर्निंग विद दुर्गेश। देखिए, इस प्रश्न का जो सही विकल्प है, आप लोगों ने एकदम सही बताया, बहुत आसान प्रश्न है। अगर इस प्रश्न का उत्तर आप गलत बताते हैं तो एक तरह से पढ़ना मेरा और पढ़ाना दोनों बेकार है। देखिए, यहाँ इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा। ये क्या होगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा, ठीक है, इसे हम CFC कहते हैं। क्या कहते हैं? CFC। ये जानने के बाद क्या करता है? O3 को तोड़कर O2 प्लस O1 में बना देता है, ठीक है, इसलिए यह एक कार्बनिक यौगिक है जो केवल कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन परमाणु से बनता है। CFC का इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर में होता है, ठीक है। जो मैट्रिकल प्रोटोकॉल था इसके तहत इसे चरणबद्ध तरीके से बंद करने का निर्णय लिया गया था। तो मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है इसका संबंध ओजोन परत 6 से है, ठीक है। AC से निकलती है, रेफ्रिजरेटर से निकलती है, फोम से निकलती है, ठीक। निम्न में से वह नदी कौन सी है जो पूरब से पश्चिम दिशा की ओर बहती है, ज्वार नदमुख, बेला संगम बनाती है? इंपॉर्टेंट है, मैं जितना लोग देख रहे हैं सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर दे सकते हैं। देखिए, ऑनलाइन क्लास से नोट्स संबंध में अगर कोई जानकारी चाहिए, ई लर्निंग पे दुर्गेश का यह ऑफिस का नंबर है, यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। यह क्लास आपके जौनपुर जनपद के सिराजा हिंद से मेरे द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। देखिए, यहाँ पर जो यह प्रश्न है, इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो आपका क्या है? अभी हमने बताया था, इस बारे में हम लोगों ने बात किया था, ये नर्मदा नदी है, ठीक। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। ये भ्रंस घाटी से बहती है, एश्चुरी बनाती है, ज्वार नदमुख। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, किस हिमनद से निकलती है? देखिए, मानसरोवर झील के पास चेमायुंगडोंग ग्लेशियर से, मानसरोवर झील के पास चेमायुंगडोंग ग्लेशियर से निकलती है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर डी होगा। कौन सा संकटपन्न प्रजाति है? ब्लैक बक, ब्लू सी,
गांगेटिक मिथुन। ये संकट प्रजाति कौन बना, कहां से होता, IUCN क्या जारी करता है, रेड डाटा। IUCN का फुल फॉर्म क्या होगा कमेंट करके बताइएगा। यहां पर ब्लू सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, जो विलुप्त होने के कगार पर, और विलुप्त प्राय जीवों को ही रेड डाटा बुक में सम्मिलित किया जाता है। ह्यूमन कॉन्फ्रेंस 1972 कहां पर हुआ था, ह्यूमन कॉन्फ्रेंस 1972 कहां पर आयोजित हुआ था, स्टॉकहोम, पेरिस, जेनेवा, ऑस्ट्रेलिया। बताइए जल्दी कमेंट करके, सभी लोग जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब, यार आप लोग शेयर नहीं कर रहे, बताइए ये भी सीरीज बंद कर दिया जाए क्या, स्टॉकहोम मतलब ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में लाया गया था, जो प्रोटोकॉल था वो किस वर्ष अमल में लाया गया था, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा, चाहे इसे फेसबुक पे देख रहे हैं चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं ना फटाफट कमेंट करिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप तो रेस के घोड़े हैं, है ना। क्योटो प्रोटोकॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए यह 2005 में, बीस का राइट आंसर होगा, इसके बारे में और जान लेते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन पर हुए संयुक्त राष्ट्र के प्रारूप सम्मेलन का एक भाग है, यह अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि है, यह कब लाया गया था, 16 फरवरी 2005। ठीक है, क्लियर। चलिए इसके बाद कुछ क्वेश्चन यूपी स्पेशल से पढ़ लेते हैं, कुछ प्रश्न हम लोग यूपी स्पेशल से पढ़ लेते हैं। ये देखिए अब यूपी स्पेशल है, यहां से आपका यूपी स्पेशल शुरू, ठीक, उत्तर प्रदेश स्पेशल। नहीं, कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है, जल्दी कमेंट करें। धान, मक्का, गेहूं, मक्का आलू मूंग, मक्का तोरिया गेहूं, कपास गेहूं मूंग। देखिए कपास के नाते ये कट गया, तोरिया के नाते ये कट गया, मूंग के नाते ये कट गया, हमारे धान होता है, मक्का होता है, गेहूं ये बहुतायत होता है, मतलब इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से लगा लेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें कि हम सबके यहाँ क्या होता है, तो आप लोग आसानी से समझ जाएंगे, धान होता है, मक्का गेहूँ सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है, जो एक वर्ष के भीतर किसी भी क्षेत्र में उगाया जा सकता है। ठीक है, ये फसल उगाने का जो निश्चित क्रम, जो समय एवं स्थानीय फसल व्यवस्था दोनों को सूचना देता है, इसे हम फसल चक्र भी कहते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रति वर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, फतेहपुर सीकरी में, कालियर में, देवासरी, गढ़ मुक्तेश्वर में, कहाँ, जल्दी कमेंट करिएगा और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का सभी साथी जवाब दीजिएगा, चाहे इसे फेसबुक पे या यूट्यूब पर जहां भी आप देख रहे हैं, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। ये उत्तर प्रदेश स्पेशल का सवाल है और ये परीक्षा में पूछा जाता है, आपको पता होगा मेला आपके यूपी TET के सिलेबस में है, सुपर TET के सिलेबस में है, दोनों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। देवा शरीफ इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बाराबंकी में लगभग, ये कहाँ लगता है, ये बाराबंकी, जो बाराबंकी है, ध्यान से समझिएगा, बाराबंकी से लगभग 24 किलोमीटर की दूर स्थित देवा शरीफ में प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह का मजार है। प्रतिवर्ष कार्तिक माह में भव्य मेला का आयोजन किया जाता है, जहां सभी धर्मों के लोग एकत्रित होकर इसका आनंद उठाते हैं। अच्छा, बाराबंकी से आप भी, कोई बात नहीं, चलेगा, भी आएंगे हम बाराबंकी। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा, या नहीं है माने ये नकारात्मक प्रश्न है, यूपी स्पेशल का ये नकारात्मक प्रश्न है, जो गलत है वही यहाँ पर आपका सही होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। देखिए उसका संरक्षण प्रदर्शन किया जा सकता है, उसका प्रकाशन किया जा सकता है, उसका अभिलेख लेकिन उसकी बिक्री नहीं की जा सकती, ऐतिहासिक चीज़ें बिक्री कर सकते हैं आप, नहीं बेच सकते हैं, तो माने इस प्रश्न का उत्तर डी होगा, जो गलत है वही इसका उत्तर सही होगा, समझ में आ रहा है आप लोग को। ठीक है, निम्न में से कौन सी एक नानसी SIR संस्थान को, जो लखनऊ UP में स्थित है, पहचानिए,
IISR, जी हाँ यही है, IISR। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तारा मछली, मॉनिटर, छिपकली, वामन सुअर, स्पाइडर, क्या होगा? जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। बताइए जल्दी से कमेंट करके। देखा, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, एक तारा मछली होगा जो भारत में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, मॉनिटर छिपकली है, वामन सुअर है, स्पाइडर वानर नहीं मिलता यहाँ पे, ठीक है। मतलब तारा कछुआ भारत के शुष्क क्षेत्रों में जंगलों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, ये एक मध्यम आकार का कछुआ होता है, ये भारत में श्रीलंका पाकिस्तान में ही पाया जाता है। मॉनिटर छिपकली एक विशालकाय रेप्टाइल है, यह भारत के प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया में भी भारत के अलावा प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। वामन सुअर को पिग्मी हॉक कहते हैं, ये दुर्लभ सुअर की प्रजाति है, ये भारत के उत्तर पूर्वी भाग में पाई जाती है। स्पाइडर वानर जो है ये सदाबहार वर्षा वन में पाई जाती है, सदाबहार जो वर्षा वन होती है वर्षा वन में पाई जाती है। ये वानर फलों को एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूद कर पार करते हैं, ये दक्षिण अमेरिका के पनामा, कोस्टा रिका, ब्राजील, होंडुरास, इन देशों में पाए जाते हैं और भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। 1, 2, 3 ठीक। अगला, परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। डेली का टाइम आप लोगों को पता है, अगर आप लोग डेली रहेंगे तो इस सीरीज को हम और आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो सीरीज को समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग यार खुद से दिलचस्पी लेकर नहीं पढ़ रहे। पढ़िए, वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, कभी व्हाइट पेज पर पढ़ रहे हैं, कभी ब्लैक, कभी ग्रीन, कभी रेड, लेकिन वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। पेज माने नहीं, सिलेक्शन माने रखता है। देखिए यहाँ पर ये कवक होगा और जीवाणु होगा, विषाणु नहीं होगा, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? 2 और 3 ठीक है। अब घटक वे जीवी घटक हैं जो प्रायः उत्पादक और उपभोक्ताओं के मरने के बाद उनके शरीर पर अपघटन करते हैं, इसमें निर्मित साधारण पदार्थ द्वारा अपना भोजन ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप जटिल कार्बिन जो कार्बनिक होते हैं टूटकर नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, लवण, फास्फोरस, कैल्शियम आदि में अलग अलग हो जाते हैं, तो इसमें कवक और जीवाणु होते हैं, ठीक है। ये आज का आखिरी प्रश्न है, इसी के साथ आज की सीरीज यहाँ पे समाप्त होती है, ठीक है। देखिए ऑनलाइन क्लास और नोट्स संबंध में अगर आपको कोई जानकारी, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यह फेसबुक और यूट्यूब पर निःशुल्क आपके लिए लाइव चल रहा है, यह क्लास जौनपुर जनपद के सिराज हिंद से आप सभी के लिए है। और कोई समस्या है, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। परितंत्र खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में चार कथनों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीव एक श्रृंखला दूसरे श्रृंखला आहार को पोषित करते हैं, सही बात। खाद्य श्रृंखला एक जाति की सम्मिष्ट के अंतर्गत पाई जाती, जी नहीं। खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्या जो दूसरे द्वारा खाई जाती है, जी नहीं। इसलिए यहाँ पर केवल एक इस प्रश्न का उत्तर होगा, इस प्रश्न का सही और राइट आंसर होगा। इसको नहीं दिख रहा, थोड़ा सा जूम कर सकता है, नहीं तो मैं केवल प्रश्न को कहें जूम कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर केवल प्रश्न को ही ये जूम कर दे रहा हूँ, इसी में से कोई एक सही है, तो जो सही है वो केवल ये है, ये दोनों गलत हैं, ठीक है। आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है, ठीक। और टेलीग्राम पर आप लोग दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जरूर जुड़िएगा, क्योंकि क्लास की जो लिंक और पीडीएफ होगी इसी में मिलेगी। अगली क्लास के लिए तैयार रहेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत, ठीक है। चलते हैं तब, बाय बाय। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, अगर अभी तक आपने लाइक का बटन नहीं दबाया तो जरूर दबा दीजिएगा, लोगों तक पहुँचिएगा। चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।